ओबे ठंड है, ओबे मेरे तो कोकड़ी से हटाई साले है, ओबे भीगा जा रहा हूँ इसका मतलब पूरी रात मेरे ऊपर ओस पड़ी है साले, बारिश भी नहीं है, ओस में भीग गया मैं तो, मेरी रजाई कहाँ गई, ओबे मेरी रजाई तो है नहीं, आंधी भी नहीं आई, ऐसी 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 दवा के सोया था सारी आंधी में भी नहीं उड़े, कहाँ गिर जाई, ओए मुझे लगा साल है मेरे लिए कोई था और नहीं दिखे, वह चटरो वह मटरो, ओए चटरो मटरो नहीं दिखाए तेरे, ओए मेरे लिए तो नहीं है साल, ओए तार गलाया हूँ, डबल ओढ़ रहा हूँ, सुबह ही दे दूंगा, हाँ यार ये तो हमारा लोगों ने जंगल में भी जीना हराम कर दिया, ले ला। अरे मुझे लगा ये बेहोश हो गए दिखे, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगे, और गुरुजी कहाँ है, गुरुजी अरे मुझे क्या पता गुरुजी कहाँ है, मेरे तो इस साले ने मुंह पे चाटा मारा, अरे मुझे लगे इस साले ने मारे गुरुजी को भी थप्पड़ मार के भगा दिया होगा, और यूं ही बताओगा मारे गुरुजी कहाँ है, तो ठीक कह रहा गुरु, कौन सा ऐसा झगड़े में डटा है, तू तो डरपोक है डरपोक, अरे हाँ यह बात तो तू ठीक कह रहा, पहले इसे संभाल ले, कभी यूं मर जा और मारे गुरुजी पे मर्डर केस लग जा, हाँ ठीक कह रहा तू, कभी पुराना दुश्मन हो हमारा, अरे मजे लगे यू कहीं साला बल्ली डोन तो नहीं है, अगर यू बल्ली डोन हुआ तो साले को इसे उठा के पूरे दिन इसका मालिश करवाओगे, अपने गुरु पे हाथ उठाने के लिए हाथ टूट गए, हमें कौन से रजाई में कुछ दिखा, हमने सोचा कोई और है, हमने सोचा रिजाई में कोई पुराना दुश्मन है, बस हमने बोल दिया हमला, गुरुजी अरे गुरुजी सारा दो चार लग गए तो उसमें हम क्या करें, अबे दुश्मन है दुश्मन का तो तुम बाल भी तेज नहीं कर सकते, दुश्मन को तुम आँख भर के देख सकते, मारने की तो बात बहुत दूर रही, अबे दुश्मन के बल्ली डोन ने मुझे गांव में मारा है, तुम पे उसकी पूछ नहीं उखड़ी, पूछ नहीं उखड़ी तुम पे है, और उसने जमीला प्रधान है, जमीला प्रधान ने मुझे बब्बू की दुकान पर मरवाया पिटवाया समझे, और तुम पे पूछ नहीं उखड़ी है, बात डूब के मर जाओ, तुम अपने गुरु पर हाथ ढालो, तुम्हारे जब हाथ ना टूटे जब गांव में पिटाई हुई, और उस गांव में पिटा मैं दूसरे गांव में पिटा, अपने गांव में कई जगह पिटा, जब तो हाथ ना टूटे थे, पहले तो हम एक टाइम रोटी खाते थे, अब तो हम दोनों टाइम रोटी खावे, अब तो कुत्तों की छीन छीन खा जा, अब चाहे तुम हमारे साथ में कितना ही बड़ा बदमाश नहीं हो उसे भी छठी का दूध याद दुआ देंगे हम, सारी बात छोड़ गुरु, रजाई में क्या इसके पैर दबाने आए थे, पैर दबाने पैर दबाने पैर पैर काट रहा था साले के, मैं एक बात सुन, इसे शर्म आनी चाहिए, इसे शर्म आनी चाहिए, इन्हें गुरु पर हाथ उठाया, ये तो बच गया नहीं साले का, हिरन बना था हिरन, हिरन बना था साला, मर्द बन रहा मर्द, अरे गुरुजी अब वाकई भी हम कमजोर नहीं है, ओए जोर ना भरे, गुरुजी आप बताओ क्या लफड़ा हुआ, मैं बात ये थी मेरी रजाई तार के लिए आधाला, और यहाँ लौटा रहा निवास ले रहा, और मैं सर रात तुम्हें चक्रो, तो गुरुजी की रजाई तो तार के लाया, भाई मैं क्या करता, मुझे इतना जड्डा लग रहा था मैं गुरुजी की भी रजाई तार लिया, और दोनों जोड़ कस हो गया, और मेरी कोई तार कर ले गया, बता मैं क्या करूँ, जड्डा लग रहा मैं तेरे पे इतना तो है ना, और अपनी रजाई भी गुरुजी के प्रकृति में गुरु कट रहा, सारे जान से मार दिया, अरे कहे तू जाता लग रहा, मुझे जाता लग रहा, माफ कर दे इसे, कोई बात नहीं गुरुजी माफ कर दो, बालक है यू, हां बालक है यू, इसने मेरे से बड़ा नंबर आ रहा है, तरबूज वाला पक्का यू, ये बालक है, अरे कहे माफ कर दे, कैसे माफ कर दूं इसे, कोई बात ना ए गुरुजी मेरी गलती होगी, तन्ने गुरुजी पार्ट उठा, गुरुजी माफी मांग, अरे माफी मांग ले गुरुजी से, तूने कौन सा सर उठाया, अच्छा गुरु तो माफी मांग तू मांग
चल दोनों मांगेंगे। गुरुजी माफ कर दो, माफ कर दो गुरुजी, माफ कर दो, माफ किया जल, माफ किया जल। अरे एक बात सुन ले, आगे से अगर तुमने कोई गलती करी तो साले गोड़ा लाठी लगा के चूहे के भट में घेर दूंगा, खा जाएंगे बांट बांट के तुम्हें। गुरुजी आगे तो हम कोई गलती ना करने के, माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम माफी मांग रहे हो तो माफ किया। अब ऐसा करो, मेरे लिए बिल्कुल बिस्कुट ला गए, थोड़ी सी चाय लाओ, गर्मा गर्म मेरी सेवा करो। चाय? चाय को तो ऐसे करा जैसा फाइव स्टार पैराडाइज में रुक रहा हो। देख ले, पहली गलती तो जैसे से माफ करी मैंने, फिर गलती कर रहा और मुझे कार का ऐसा बोल रहा जैसे मैं इसकी बहू लगती हूँ। ठीक है गुरुजी, यहाँ कहाँ चाय मिल रही है, चलो कहीं गांव में ही चलते हैं। अरे अरे गांव में कौन चाय प्यारा हमें, हम तो वैसे तभी बाहर है, पूरा गाँव हमारी ताक में बैठा हुआ। ताक में? अरे गुरु ताक में क्यों बैठा होगा? और ताक में बैठा कहीं बैठेगा? एक बात सुनिए, पूरे गाँव की रजाई तुमने चोरी चोरी कर करके पूरे गाँव की रजाई देख दी, बाकी कोठे बंद करके लड़ दी, हमारा स्वागत करेंगे, हमें चाय पियाएंगे। गुरुजी गांव में चल रहा प्रधानी का इलेक्शन और पूरा जोर चल रहा, जिसका जाएंगे वही चाय पियागा। प्रधानी? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये गांव में महिला सीट होगी, वोट लेंगे और हम बच भी जाएंगे। समझा नहीं? गुरु भाई हम तो रिजाई ठा ठा के बेच रहे और लोग बाग तो अपनी लुगाइयों को प्रधानी में ठा ठा के बड़ी बड़ी कोठी ठोक रहे। जब ये बात है तो चलो हम भी कोठी बनाएंगे, हम भी मौज लेंगे, हम भी प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे। ए गुरुजी तम के लुगाई हो? ए, वो क्या मतलब? महिला सीट है गांव में। ओवे हाँ, चटरु मटरु, हमारे तो महिला ही नहीं है। गुरुजी किराए की महिला लाते हैं और गांव में इलेक्शन लड़वाते हैं। आईडिया, आईडिया। मगर गुरु महिला लाएंगे कहाँ से, ये तो बहुत कड़ा मसला। वह पगले, तुम अपने गुरु की विद्या पे चलो, अपने गुरु के ज्ञान पे चलो। पागलो, तुम्हें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, पूरा है गुरु जी। ठीक है था? चलो बहुत ठंड है बेटा आज तो। बस बेटा बस। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा कुर्सी डालना, बैठो बैठो। प्रधानी गांव में चर्चा हो रही है, लोगों की कोई बात सुनी? देखो जी मेरी बात सुनो, जो हुआ सो हुआ, अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या होता, सब सुन रहे हैं गांव वालों, बताओ क्या करना है ना? बताए क्या, पूरी रात ठंड में सुकड़ सुकड़ के काटी है, तुम्हारी रात में रजाई चोर पकड़े नहीं गए। हमारी तो पांच रजाई ही, पांचों की पांचों चोरी हो गई। जब प्रधानी तुम हो तो हमारा दुख कौन सुनेगा? देखो प्रधानी, अगर यही हालात रहे तो आने वाली ठंड हमारी मौत बन जाएगी, घर में तीन रजाई ही तीनों ले गए। देखो प्रधानी, या तो कुछ करो नहीं तो आगे इलेक्शन आ रहे हैं। देखो प्रधानी, तुमने सब गांव वालों को रजाई देने के लिए कहा था, अब वो सब गांव वालों को रजाई? ना ना ना, मैंने रजाई के लिए नहीं बुलाए, मैंने तो इसलिए बुलाए हैं कि प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, मुझे अब की बार और बनवा दो प्रधान। शर्म कर, शर्म प्रधानी, परिवार के परिवार ठंड में सुकड़ रहे हैं और तुझे वोट की पड़ रही है। इसे ना गांव की फिकर, इसकी तरफ से तो पूरा गांव मर जाओ, अब का प्रधान बदल दो। सही कह रहे हो रुखसाना, अब का प्रधान किसी और को बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है लोकी। आहा, चलो समझ गए तुम्हारे दिल की बात। चलो 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 चलो। अरे सुनो सुनो, अब मैं समझ ली तुम क्या कहना चाह रही हो। अरे सुनो तो, गुरुजी प्रधानी वर्धानी छोड़ दो, अपना काम करो,
है? अपना काम करो। अपना काम कैसे, क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब यू है, हमारे गोदाम में सो रिजाई होने वाली, हाँ दो चार और चुरा लेंगे, अपनी ठंड खत्म। बिल्कुल सही कह रहा, सारी दो चार रजाई और बेच के सारी इनको, अपने घरों की ठंड खत्म। गुरुजी दिन में चोरी मत करो, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। हर बगल डरने वाली बात करोगे, डरने वाली बात, तुम्हें विश्वास नहीं है, है? श्री श्री दादा पर विश्वास नहीं है, है? अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, है? विश्वास है गुरुजी पूरा। एक बार सुनो। हाँ सुनाओ। मैं देखता हूँ अंदर जाकर। ठीक है, अंदर जाकर देखता हूँ। हाँ अगर कोई आए तो मुझे जाके बता दियो। ठीक है गुरुजी, हम बिल्कुल बता देंगे। जाके बता दियो। हाँ मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, तुम जाओ। रुखसाना। हाँ सलमा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? सलमा मैं देख रही हूँ रजाई चोर भी हो सके। ओ, अच्छा हाँ। तो चल शोर मचाते हैं चल के। ना शोर मचाने से पहले देख ले खड़ी होकर कर क्या रहे हैं। ऐसा कर, तू यहीं खड़ा रहे, मैं जाकर गुरुजी को बताऊँ। ठीक है, क्या जा। चल के देखेंगे। ओए, यहाँ कैसे खड़ा रहे? और अंदर कौन है? अंदर गुरुजी है, रजाई चोरी करने गए हैं। गुरुजी बाहर औरतें आ रही। अरे मजे क्यों पीट रहा गुरु के बच्चे? तू जरूर पीटू, अंदर आकर जरूर बताना। मैं तो भाषा नहीं बता सकता। चले सर पहले उनकी सुन। अरे यार रजाई ले, रजाई रजाई को जुगाड़ कर दूंगा, फिर रजाई को जुगाड़ फिट कर दूंगा। चल सुन, मैं चांटे की कोड़ी भर के चलूंगा। ठीक है हाँ। तू कुछ ना बोलिए, तने करी तो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलने का। अच्छा तबे रजाई चुराने गए हैं? पकड़ इसे। ले गुरुजी बचाओ। चोर 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 सामान चुराएगा हमारा। ये ले, मारो और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो। देखा, पूरा गांव तो ठंड में मर रहा है और ये पत्थर रजाई चुरा के रजाई में। सही कह रही है। जाके मर गया जाके मर गया रे। देखो जरा देखो कैसे ढोंग भर रहा है, जने सारा जाड़ा इसे ही खा रहा है। सलमा इसका दो लगते ही सारा जाड़ा उतर जाएगा इसका। दो लगने से काम न चलेगा रुखसाना, इसे तो पकड़ के प्रधान जी के पास ले चलो, वही इसमें लठ लगवाएंगे। ऐसे नहीं करना, ऐसा तो भाग जाएगा ये। चलो चलो रस्सी लेके आओ, बांधेंगे इन्हें, बच के जाएगा। जल्दी जा, खड़ा कर रहा है पूरा। ले चलो बाबा पानी वानी लाऊं? ना बेटे पानी वानी नहीं, प्रधान जी से मिलना हो ना बुलाओ। अच्छा मम्मी। हाँ बेटा। बाहर आओ, बाबा मिलने आए हैं। आ रही हूँ। नमस्ते चाचा।
हाँ सुनाओ चाचा, कैसे आए? आए क्या, हमने सुना तुम चुनाव दोबारा लड़ रही हो। हाँ चुनाव तो मुझे तुम ही लड़ाओगे चाचा, प्रधान बना दो, मैंने तो फॉर्चुनर गाड़ी भी बुक कर रखी है और चुनाव जीतते ही लड़की की शादी करूंगी और तुम्हें वोट जरूर देनी है मुझे। हाँ लड़ो लड़ो, आपका भी महिला सीट है, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे रुखसाना कैसे पकड़ रखा है इसको? रानी तुम्हें पता नहीं है, ये ही तो है चोर, रजाई चोर है या रजाई चोर, ये तो आज पकड़ा गया मुश्किल से। इस हरामजादे ने पूरे गांव में ठंड बिठा रखी है। ठंड बिठा रखी है और खुद रजाई ओढ़ के पड़ा है। हाँ ले जाने प्रधान जी के यहाँ, चलो तुम भी चलो। चलो देख ले फालतू बोलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हुआ, पूरा गांव उठा चला रहा है, हमें बताओ। बताएं क्या, इस हरामजादे शेख चिल्ली के बच्चे ने पूरे गांव को ठंड में डुबो दिया। प्रधानी प्रधानी इसे ऐसा कर दो, ये गांव में आने लायक तो क्या, गांव का नाम भी भूल जाए। वरना इसे मेरे हवाले कर दो, इसे तो सबक मैं चुका दूंगी। सही कह रही। आज तो भाई प्रधानी मुझे कैद करवा के छोड़ेगी लग रहा मुझे। अगर मैं शेख चिल्ली को सजा सुनाऊं तो ये तो मुझे हरवा देगा। बिना शेख चिल्ली के मैं चुनाव नहीं जीत सकती। क्या सोच रही हो प्रधान जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे आज ऐसा कौन सा जुल्म हो गया? इसे तो क्या सबको फांसी पर लटकवा दो। हाँ हाँ प्रधान जी, फांसी लगेगी तो लगेगी ना। बस इतनी सी बात? अरे खोल दो इन्हें, इन्होंने क्या तुम्हारे हीरे मोती चुरा लिए? ये क्या कह रही हो तुम प्रधान जी? हाँ हाँ, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक इंसान होके दूसरे इंसान पर अत्याचार कर रहे हो। अरे कुछ सोचो प्रधानी, इन पे इतनी दया मत करो। हाँ इनकी आंखों पे पट्टी बांध के पूरे गांव में घुमाओ। पूरे गांव में घुमाओ, अंधा कर दो मुझे, अंधा कर दो। ना मर रहा तू, चुप करो। अरे ये इंसान है, अरे जाड़े में रिजाई नहीं चुराएंगे तो क्या मच्छरदानी चुराएंगे? ये क्या बोल रही है? अरे तो क्या किसी को ठंड में मरवाओगे? ठंड है ठंड, हम अपनी तरफ से शेख चिल्ली को 3 रजाई देते हैं। क्यों बेटी? सही कह रही हो अम्मी, हमारे यहाँ तो वैसे बहुत रजाई है। ये क्या कह रही हो? ठीक बोल रहे हैं हम। जा बेटी अंदर से शेख चिल्ली को 3 रजाई ला के दे। ये लो। मुझे तो मारा गुरुजी, तुम ना मारा क्यों? मारने के बच्चे, मैं तो ये देख रहा था, मैं सपना तो नहीं देख रहे हो क्या? प्रधानी सजा की जगह रजाई। अरे हाँ, किसी जरूरतमंद के काम आना ही इंसानियत है। और शेख चिल्ली रजाई ले जाओ, निवास में सो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। तेरी ये जरूरत, जा अब ले लिए वोट, अब बन जाइए प्रधानी। हाँ हाँ, मेरे साथ शेख चिल्ली है तो सब है, मत देना वोट, जाओ। चिल्लर चला रहा है, फांसी दिलाएगी, चला रहा फांसी दिला दे, फांसी दिला दे मुझे प्रधानी साहब, पड़वा ले मेरी पूछ। अब ले लिए वोट। अब वोट लेना, घर ना आ जाइए। तिन्ना ले ले वोट। नरवर जी अब तुम बनो प्रधान। ओ भैया, ना तो मेरा यहाँ कोई घर और ना मैं किसी को जानती, मेरा तो मामू भी काम ना करता, मेरे घर में तो खाने को भी ना है, मैं कैसे लड़ूंगी प्रधानी? तेरे पास ना है तो हमारे पास तो है पैसे, हम लड़ेंगे प्रधानी। क्यों, तू कोई ज्यादा लाड़ साहब है, ज्यादा पैसा वाली है? हम लड़ेंगे प्रधानी, हम बांटेंगे रजाई। बांट लो रजाई, देखूंगी तुम्हें भी कैसे बनोगी तुम प्रधानी। अरे गाँव तो मेरे साथ है, मैं बनूंगी प्रधानी।
चलो चल तिरछा देख रहा। ओए जमीला प्रधान इतनी नरम कैसे हो गई? अड्डे पे देखता हूँ जाके बात करता हूँ। आए प्रधान बनने को? अरे जमीला के होते हुए कौन प्रधान बनेगी? हम बनेंगे प्रधानी। बिल्कुल ही नासी है, इतना कंधे बनाते फिरोगे अब? ना गोदाम में फिट करो। गोदाम तो गुरुजी फुल हो गया, अब कोई दूसरी जगह देखो। फुल हो गया? ओए मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जमीला प्रधान जी नरम कैसे हो? गुरुजी क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ जमीला प्रधान की और हमारी तो आज तक बनी नहीं। हाँ? बहू उसे तो हम जहाँ भी मिल ले उन्हें तुड़वाया ही है, पिटवाया ही है, पर आज इतनी नरम कैसे हो गई? हाँ ये बात तो गुरुजी मेरी समझ में भी नहीं आ रही है? मेरी समझ में यू आ रही है, मुझे लगे वो कुछ लालच में बात कर रही होगी। समझ गया, इंतजाम करते आओ। चलो, चलो देखो जी अब सीट हो गई महिला की, आप कहो तो चुनाव लड़ूं। हाँ हाँ रानी चुनाव लड़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और पूरा गांव तुम्हारे साथ है, आप चुनाव लड़ो। देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ गांव का पूरा काम करवाऊंगी। अरे पहले हमें जो हमने जो जमीला को बना दिया उस पर गांव में कोई आज तक काम नहीं हुआ, पूरा गांव ठंड में सुकड़ रहा है। हमारे घर में 5 रजाई, 5 की 5 लेगा साला। ठीक है अगर मैं प्रधान बनी तो पूरे गांव का दुख काट दूंगी। एक बात सुन लो रजाइयों को पूरी फिट कर दो। हाँ लोकेंद्र ले, जहाँ भी शेख सिल्ली नजर आए ना इन रजाइयों को उसको दे दियो और बोल दियो रानी चुनाव लड़ रही है। मुझे ना बता, मेरे साथ चलो, जो कहना अपने आप कहियो। हाँ तो सही कह रहा है, जो कहना होगा मैं अपने आप कह दूंगी, तू रजाई उठा और मेरे साथ चल। इधर आ जाए, दे गोदाम में फिट कर गए ना, गोदाम में फिट कर गया जा। चलो भाई जगह तो होगी गोदाम में, देख लेगा वो, थोड़ी बहुत तो होगी। गोदाम में फिट कर क्या? ओवे ये तो मेरी रजाई है। देख जी अपनी रजाई। भाई रजाई कहाँ ले गए तुम? भाई शेख जी मैं बहुत ठंड लगती, माफ कर दो। माफ कर दो, निकल जाओ भाई, निकल जाओ अपने घर को, चले जाओ जाओ सारे। बाप पिट गया मेरा शटरू, रजाई चोरी करके ले गया। साले ने पिटवा हम दिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, है? वही अखबार है बस। अरे चोरों के घर में चोरी हो गई, बताओ भाई है? ओबे ओबे चटरू। ओबे ओबे कौन ला रहा रजाई? हाँ तो रही हमारी तरफ कोई। आंदे आंदे जीतना है मुझे और वोट लेनी है। हाँ सही कह रहे हो मैडम, अगर जीतना है तो रजाई तो बांटनी पड़ेंगी। सही बोल रहे हो, मुझे लगे रानी है रानी। हाँ और एक लौंडा भी उसके साथ। लौंडा भी है ठीक है आंदे। देख वो बैठा से एक सिल्ली। हाँ बैठा तो है। चल होगी फिट रजाई, बैठ जा। अरे गुरुजी रजाई कहाँ से आ गई? मैं रजाई कहाँ से आ गई, हम दुनिया की चुरा में हमारी को चुरा के ले गया था वो। ले से एक सिल्ली, तीन रजाई ले ले। रजाई तो जमीना प्रधान ने दी, अब ना आवाज। अरे ले 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 ले,
बिछा के सोइयो नीचे, ठंड हो रही है। सोइयो क्या? ओए चटू बटू, आज कोई त्योहार भी नहीं है, कोई खैरात का दिन नहीं है, सकरात भी नहीं है, मगर ये रजाई की बारिश कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या बात है? अरे ले 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 ले, तुझे आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से मतलब? चुनाव आ रहा है, मेरा ध्यान रखियो बस। ले 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 ले। और सुन, और किसी की जरूरत हो ना तो घर पे आ जाइयो और फोन कर दियो, लोकेंद्र नंबर लिखवा दे। ओए, नंबर की कह रही है, ले लो नंबर। ले लो गुरुजी नंबर। ठीक है, लिखो नंबर, लिखो 9436-8859। बाल जा, लिखूंगा ये से लिखूं। बोल 9436-8859-9886-8859। अजय दे दो, अजय ले ले। सलमा प्रधानी, मैंने सुना है गांव में सब रिजाई बांटते हैं, तू चिंता ना कर रहे, प्रधानी की सीट तो जीत के मानूंगी, चाहे लोट में कितनी आग लग जाए। सही सही कह रही हो प्रधानी। चलो मेरा ध्यान रखियो शेख चिल्ली। हाँ ध्यान रखेंगे तेरा, इसका ध्यान रखियो शेख चिल्ली। झाड़ा भी तो बहुत हो रहा है। हाँ प्रधानी, झाड़ा भी बहुत हो रहा है। तुम समझे गुरुजी? ना मैं समझा नहीं बिल्कुल। ये प्रधानी के चक्कर में वोट बांध रहे। वोट बांध रहे? हाँ। हमका ढोरा पशु है जो हम बांध रहे। ये अपनी वोट पक्की कर रहे। ओ ये महाराज है। हाँ। तभी तो मैं कहूँ जमीला प्रधान ने हमें सजा क्यों नहीं सुनाई। सबको तो लग रहा है कि अब की बात तो तुम ही जीतोगे। ओबे और भी आ रहा कोई? न्यारी न्यारी आ रही, मेरा ध्यान नहीं किसी एक चिल्ली। जमीला प्रधान कैसी नरम हुई, अब ये कहाँ से निकल गई है? अभी तो देखते जाओ गुरुजी, और भी आएंगे। ठीक है, रजाई को दायम फिट करो। तो ये रजाई तुमने फिट क्यों नहीं करी? उन्हें रख जाए। हाँ अभी तो रख लीजिए ना। एक चिल्ली तो बैठा हम बे। हाँ चल देखेंगे। ओ शेख चिल्ली ले ये रजाई रख और खूब जाड़े में ओढ़ी और मौज लिए। ए मौज लिए हमें ना जड़, हमारे साथ 6-7 हो रही है, हमें ना जड़। फिर क्या हो गया? और रजाई रख ले, और कुछ चाहिए तो घर आके ले लियो। जमीला को प्रधानी का सबक सिखाना है, बस तू किसी तरीके से डरा धमका के इलेक्शन जितवा दे। हाँ ठीक है। तू डर मत, मेरा फोन नंबर ले ले और किसी चीज की जरूरत पड़े तो फोन कर दिए। रजाई की जरूरत ना, खाने के लिए रोटी दे दो। रोटी की चिंता ना करो, बस एक बार प्रधान बन जाऊं, तीनों टाइम रोटी घर से भिजवाया करूंगी। हाँ ठीक है। और सुन शेख चिल्ली, गांव की एक तरफा वोट होनी चाहिए मेरे पक्ष में। हाँ मिल जाएगी, अब बिल्कुल पक्की लिखवाएगी। मैं निकला अपने घर में जाऊं। प्रधानी तो धमका रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे धमका धमका के इलेक्शन जिता दे तू हमें। ठीक है ठीक है, खाने को बोल दिया आराम के बच्चे ने, अगर वह बुरा मान जाती तो? अब कोई बुरा मानने वाले नहीं है, अब तो ना कुछ भी कह दो, अब तो यह मुंह से आवाज भी नहीं निकाल सकती कोई भी चुनाव तक। ये तो जब तक चुनाव है बिल्कुल पक्का फिट कुछ भी मांगो। गुरुजी मगर इस प्रधानी के चुनाव में हमारा क्या फायदा होगा? फायदा पूछेगा? फायदा पूछोगे? हाँ है भाई, फायदा पूछना ना। अब जो नहीं किसी को भी गाँव में गाली दे के देखियो। अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है गुरुजी, चलो तो फिर करके दिखाओ। मैं तो सालों को बहुत सारी गाली दूंगा, मेरे तो कई दुश्मन है गांव में। ओए चुप ही नहीं रह सकते, चलो मेरे साथ चलो। अजय ये रजाई पहले फिट करो। ठीक है गोदाम में फिट कर दे। फिट करो गोदाम में, चलो। पट्ठाओ का पीरा, चौड़ाओ का पीरा, अपनी घरवाली को चुनाव जरूर लड़ाएगा, पैसे वाला लग रहा। बगुरु जी
आज तो दिखा अपना करिश्मा। खतरनाक रूप देख मेरा। चलो ये क्या समोते हैं सब। अच्छा एकदम सल्यूट मारेगा। एक बार एक झलक दिखाओ। देखती करेगा सलाम। दिखाओ तो। चलो मुझे घर वाले प्रधानी बनाना। अरे गांजा मार दूंगा, आग दे दूंगा। हम तो मजाक कर रहे थे। आग लगा दूंगा। गुरुजी तुम तो कह रहे थे मेरे से सारा गांव डरे, मेरे आगे समूते मुद्दे होगी टाई टाइफिस। मैं सोच रहा था पजामे में मुद्दे का, साले ने मुता ही। इसका मतलब दबदबा कम होया। हाँ। दबदबा बढ़ाते हैं। बनाओ दबदबा बढ़ाते हैं। हाँ चले फिर के नहीं, अब का कहीं और ले चलो। नहीं बोल रहा। हाँ। देखते चलो। अरे रुखसाना, वो तो हमारे गांव की लड़की है, चुनाव लड़ ले। कैसे लड़ लूं मैं चुनाव? मेरे अम्मी अब्बू तो मेरी शादी करने की कह रहे हैं। तो शादी तो फिर भी हो जाएगी, इलेक्शन लड़ ले। मगर प्रधानी तो रजाई बांट रही है, मैं कहाँ से लाऊंगी रजाई? फिर तो शेख चिल्ली से मिलना पड़ेगा, उससे तो पूरा गाँव डर है, वो ही दिलवा सका वोट। चलो ठीक है तो भाई, शेख चिल्ली से बात करते हैं। प्रधान बनाओ। चलो मेरी एक बात समझ में आ रही है, अगर हम कहीं से भी किराए की महिला, मेरा मतलब औरत लाए और गांव में चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा? गुरुजी रजाई तो बहुत है हमारे पास, ठीक रहेगा। हाँ हमारे पास इतनी रजाई है, पूरे गांव में देखकर भी कमी नहीं पड़ेगी। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो गुरुजी। हाँ। रिजाई तो हमारे पास बहुत, पर महिला मेरा मतलब औरत। हाँ। वो कहाँ से लाएंगे? पगले तुझे पता नहीं है, मिल जावे कहीं भी किराए की औरत मिल जाएगी और चुनाव जितवा के प्रधानी बना के प्रधानी करेंगे हम। आज करेंगे राज। हाँ। प्रधानी हम करेंगे। ओवे ओवे चटरू। हाँ गुरुजी। ओवे देख महिला रुक सारा गुरुजी पुलाव पुलाव से इसे करते बात तो करो गुरुजी। हाँ क्या बात है बोलो, मेरे पास ना रजाई बजाई देने को किसी को। बगले तुझसे कौन रजाई मांग रहा? रजाई तो हाथ ले जा। हाँ। हमारी बात सुन। रजाई की छोड़, गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा, तू चुनाव लड़ सकती क्या? देखो मैं तो दूसरे गांव की हूँ, मेरे तो मामू रहते हैं यहाँ, उन्हीं के पास तो रहती हूँ मैं, और मेरे मामू तो वैसे भी गरीब है, हम कहाँ से इलेक्शन लड़ लेंगे? देखो अगर हम तुम्हें चुनाव लड़ा है तो क्या लड़ोगी? मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम हमारे गुरुजी की घरवाली बन जाओ, मेरा मतलब औरत। औरत क्या मतलब? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये तो पागल है ना। हमारा मतलब ये है तुम प्रधानी का चुनाव लड़ लो, प्रधानी जीत के तुम अपने घर रहना आराम से, उसका जो तुम्हें किराया चाहिए किराया ले लेना, प्रधानी तो हम अपना आप चला लेंगे, तुम अपने घर रहियो मौज से। मगर वहाँ तो बताना पड़ेगा ना कि रुखसाना किसकी औरत है। रुखसाना तू ये समझ कि प्रधानी हमारे हाथ में। खेल जा जुआ, मेरे घर से कौन सा कुछ लग रहा, और प्रधानी मिली तो ठीक और ना मिली तो भी ठीक, मेरे कौन सा घर से जा रहा। क्या सोच रही हो? बोलो बोलो। कुछ नहीं मैं तो ऐसी सोच रही थी। तो यार हो तो बन जाओ शेख चिल्ली की बेगम रुखसाना। चुप है, तो कागजों में तो रहेगी, कागजों में रहेगी। अब तुम ऐसे करो, अब गांव में जाओ रजाई बांटो, तैयारी करो, और एक बात सुनो रुखसाना, बढ़ चढ़ के बोल, बढ़ चढ़ के, तू कोई कमजोर नहीं है, सारा खर्चा हम करेंगे, मौज ले मौज। चलो तो चलो गांव में चलो। चलो गुरु जी चुनाव लड़ो और रजाई बांटो गांव वालों को।
अरे बात रो, हल्के मत बोलना, बढ़ चढ़ के बोल, बढ़ चढ़ के ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक लगा, मुझे सब पता, मैं दो दो बार चुनाव लड़ लिया। चलो ताक लगाओ, चलो देखो गांव वालों, शेख चिल्ली को तो तुम सभी लोग जानते हो। हाँ हाँ, दुनिया भर का झूठा है। लेकिन एक बात बताओ, वोट तो उसके कहने से दे दोगे? हम तो देंगे ना वोट, हम कैसे डरे हैं। तो तुम शेख चिल्ली के कहने से वोट देने वाले नहीं हो, तो क्या हमने उसे रजाई ऐसे ही पहुँचवा दी? रजाई तो मैंने भी पहुँचवा दी उसे। मुझे क्या पता तुमने बाटी या ना बाटी रजाई, मैंने तो पूरे गाँव के सामने दी रजाई। महिला सीट है, ऐसी महिला को प्रधान बना लो। जो गांव के ठंड दादा पूरे के वोट कर ले, जो गांव के दर्द की सुनेगा वही तो प्रधान बनेगा। क्या मतलब? मौका फिर ना बनाए प्रधान, खर्च कैसा बनाए। चलियो मामू, क्या हो रहा देखे चल के। दुख दर्द की सुनेगा उसे वोट देंगे। भाई गांव के दुख दर्द की हम सुनेंगे, हम बांटेंगे सब रजाई। हम बांटेंगे रजाई, यू बनेगी प्रधानी, ये करेगी गांव की दुख दर्द दूर। बांट दे रजाई। तेरे घर में है रजाई, पहले अपने मामू की ठंड दूर कर दे, उसे ही दे दे रजाई। अरे देखो गांव वालों, देखो घर में नहीं है दाने, और चलिए प्रधानी बनने। पूरा गोदाम को खाली कर दो, पूरा गांव को रजाई से ढक दो। जी गुरुजी। कोई भी ठंड में नहीं बनना चाहिए। देखो देखो, अरे 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 अरे, अरे हमारे ऊपर चढ़ाओगे? हाय हाय, फालतू बोलने जानी है। गांव वालों, ये रुखसाना की तरफ से है रजाई, पूरे गांव के लिए, पूरे गांव का दुख दर्द दूसरा सुनेगी। वोट रुखसाना को देनी है। और सुना गांव वालों, रुखसाना ने अपनी तरफ से पूरे गांव का एक एक नाम लिख के पर्ची लिख कर रजाई भेजी है। आ तो गांव वालों, अब बताओ किसे दोगे तुम वोट? किसे प्रधान बनाना है? रुखसाना को प्रधान बनाना है। पूरे गांव को रजाई बांट दो, सब पूरे गांव लेन में लग जाओ। रुखसाना की तरफ पूरे गांव के लिए रजाई है। रुखसाना जिंदाबाद, रुखसाना जिंदाबाद, रुखसाना जिंदाबाद। और देखो ये दूसरा भाग, आप देखें रुखसाना प्रधान बनी या ना बनी।